नहीं, इतना अच्छा तो बना रहे हम। अच्छा का बना रहे हो? देखो ना महक के कचू कमी है, देखते हम। ये अपनी मौड़ी के लिए बना रहे हैं, कमाल से कम ना बनना चाहिए, हीरा है हमारे घर का। अरे जीजी, कल तक जेई सुगनी आंखों में किरकिर करती थी, आज जरा पैसा कमाने की बात का हुई, चुड़ैल से बिटिया बन गई। वाह, अरे हम तो मौड़ी की आरती उतार के पूजा करने को तैयार हैं। अरे सच बताए ना, तो हम बहुत डर गए थे जब ठाकुर मालिक से ब्याह की बात उसने नकार दी थी, तो कि जे घर कैसे चलेगा। इल्ला मौड़ी ने तो पूरे घर का भार अपने कंधों पे ले लिया है। कैसा अच्छा सा बना के खिलाएंगे उसको। अरे हमारा तो मन करता है कि मौड़ी की बलैया ले लेके उसको चू। मामा ने कहा बनाया तुम्हारे। अरे लव्या चीची सुगनी के पीछे ही तो गई थी, वो किधर रह गई? देख कर आते हैं। अच्छी खुशबू आ रही है। चीची, चीची कहाँ हुआ? चीची कहाँ इतना रो रही हो? अरे कच्चे तो बोलो, कहाँ रो रही हो चीची? चीची रो रही है? चलो भैया देख, चलो। अरे कछु बोलो, ऐसे रोगी का? अरे काय रो रही है ऐसे? चीची ऐसे काय रो रही हो जैसे कोई मर गया? मर गया। सब कछु खत्म कर दिया, हमारा प्रेम, हमारी तपस्या, सब कछु बर्बाद कर दिया उसने, जिसे हमारी कोख से जन्म लिया है। सुगनी, पर ऐसा क्या कर दिया सुगनी ने? अपने सर ढकाई का ऐलान करके आई है आज। अच्छा, ओ देखा मायूर, माई देख माई, यहां से तुम तब बहाती जब कोई जबरदस्ती तुम्हारी बिटिया को इस रास्ते पे ढकेलता, लेकिन हम जे अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मुझे ही सही भी है, जिंदगी ने हमें दो ही रास्ते दिए चलने के लिए, और एक रास्ता खुद ही बंद कर दी। बच्चों के रास्ते पे चलना पड़ेगा ना। तुम दिल छोटा मत करो, सब ठीक होगा। हमारा तो सपना देखना ही गलत था, इतनी गलत थी, कैसे सही हो सकता है? हमने जन्म दिया है तुमको, तुम्हारी जिंदगी के जो फैसले हैं वो सिर्फ हम लेंगे। हम भी देखते हैं कैसे करती हो तुम सर ढकाए। जो ना करने दी तो हमारा मरा हुआ मुंह देखोगे। हम अपना फैसला कर चुके हैं, अब तुम्हें अपना फैसला लेना है। कैसे देखना चाहती हो अपनी बेटियों को, सपनों के साथ या
चिंता। चिंता रीवा का इलाज करवाए, वो ठीक हो जाए और उसके बाद हम उसको तलाक दे दें तो? हेलो। हेलो आदि। कौन? अमृता। अमृता, तुम हो कहाँ? जब से तुम गई हो ना कोई फोन ना कोई एसएमएस। तुम्हें कितने बार फोन ट्राई किया, तुम्हारा फोन ही स्विच ऑफ आता है और तुम मुझे बिना बताए क्यों चली गई? क्या चल रहा है ये सब अमृता? आदि, यहाँ मेरे पेरेंट्स हर वक्त मेरे आसपास रहते हैं। बड़ी मुश्किल से तुम्हें कॉल करने का मौका मिला है मुझे, और अभी मैंने सिर्फ ये बताने के लिए कॉल किया है कि मैं वापस आ रही हूँ तुम्हारे पास। रियली? ये तो अच्छी खबर है, लेकिन फिर तुम्हारे मॉम डैड? नहीं, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। उन्हें बताऊंगी तो मुझे आने कैसे देंगे? मैं कोई और रास्ता निकालूंगी आदि। मैं नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। बाकी जो होगा देखा जाए। अमृता, हेलो 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 हेलो, क्या है? मालक, रीवा मालकी ने पूरी हवेली को फूलों से सजाने को कहा। रीवा है कहाँ? हम यहाँ हैं। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, खुश लग रहा है ना हम? आपको बहुत खुशी होती है ना हमें खुश देखकर? वैसे हमारे हिसाब से तो सभी को हमेशा खुश रहना चाहिए, पर हमारी तरह सबकी गोद भराई थोड़ी ना है आज। ये कौन है? ये डॉक्टर दामिनी है, आपका चेकअप करने के लिए आएंगे। हमारा चेकअप? पर क्यों? अरे अभी तो हमने चेकअप करवाया था, डॉक्टर ने कहा कि हम और हमारा बच्चा एकदम ठीक है, फिर क्यों? अरे एक महीने बाद तो आपकी गोद में खेल रहा होगा वो। मालकिन, जब डॉक्टर साहिबा घर आई गई हैं चल के, तो एक बार और दिखाने में का हर्ज है? आपके लिए तो अच्छा ही है ना? ठीक है, करवा लेते हैं चेकअप, चलिए। और साहब, आप यही रुकिएगा, गोद भराई के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। यही। लेट जाइए। और मालक, एक मिनट। ठाकुर मालक, सुगनी को बचा लीजिए मालक। क्या हुआ? मालक, आज वो अपनी सर ढकाई करवा रही है। Thank you.
साहिब कहाँ जा रहे? साहिब, साहिब कहाँ जा रहे? मालकिन, साहिब, साहिब आप कहाँ जा रहे साहिब? आप कहीं मत जाइए साहिब, आज हमारी गोद भर आई है। नहीं सुनिए सुनिए, बहुत जरूरी काम है, थोड़ी देर में वापस आते हैं। कितने सारे काम करने हैं हमें, हम अकेले कैसे करेंगे? हमें आपकी जरूरत है साहिब, आप बताएं। अरे यहाँ पे धनु माँ है, जीजी हैं आपकी मदद करने के लिए। वैसे भी गोद भराई में मर्दों का कोई काम नहीं होता। हमारे बच्चे से भी ज्यादा जरूरी क्या काम हो सकता है साहिब? आप मत चाहिए ना प्लीज साहिब। डॉक्टर, इनको इंजेक्शन की जरूरत है। इंजेक्शन क्यों? ये इंजेक्शन हमारे बच्चे को मार डालेगा साहिब। कौन सा बच्चा, किस बच्चे की बात कर रही हैं आप? मर चुका है हमारा बच्चा एक्सीडेंट में, समझने की कोशिश करिए। बंद करिए नाटक के अल्ट्रासाउंड के, गोद भराई के, होश में आइए रीवा। विक्रम, झूठ बोल रहे सारे। मालकिन, हमारा बच्चा हमारे पास से कहीं नहीं गया वो। मैं रीवा को चेक कर लेती हूँ, शायद इस वक्त उन्हें इंजेक्शन की जरूरत है। थोड़ी देर आराम करेंगी तो शायद अपने आप को संभाल पाए। आदि, तुम भी जाओ उनके साथ। नहीं मामा जी, मैं आपके पास ही। आदि बहस मत करो अभी, रीवा को ज्यादा जरूरत है तुम्हारी, अभी जाओ। अपना ख्याल रखिएगा। जानते हैं तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो सोनी, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम्हें अपने नुकसान नहीं करना। ठाकुर मालिक, कहीं भी जाने से पहले आप एक बार मालकिन से मिल लीजिए, उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है इस वक्त। अभी बिल्कुल नहीं धनुआ, बहुत जरूरी काम से जाने जाने दीजिए। समझने की कोशिश कीजिए ठाकुर मालिक, भगवान के लिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप उन्हें उनकी जान बचा लीजिए। चलिए चलिए आइए। इंजेक्शन दिया, हमारे बच्चा से कोई नहीं छीन सकता, हमारे पास है हमारा बच्चा। ठाकुर मालक, आपसे कोई मिलने आया है। चलो गुलाबिया जी। छोटे ठाकुर मालक, मालक आज फिर हमें आपकी आपकी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? आने वाली एकादशी के दिन आप सभी हमारी सर ढकाई में अपने अपने दाम लगाने के लिए आमंत्रित हैं। आप हमारी आखिरी आस, हमारी मोड़ी को बचा लीजिए। आपके अलावा हमारी और कोई मदद ना कर सकता है। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ गुलाबिया जी, लेकिन जब सुगनी खुद ही तैयार है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे वो तो पागल हो गई है, उसे ना पता है कि वो क्या कर रही है। वो खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है, पर आप तो जानते हैं ना उसके साथ जो हो रहा है वो सब कछु गलत है। माफ कीजिएगा गुलाबिया जी, लेकिन मैं इसके आगे और कुछ नहीं कर सकता। ये सर ढकाई मैं नहीं रुका सकता, जितना कर सकता था उतना कर चुका हूं। आप कछु भूल रहे हैं छोटे ठाकुर माला, आपके पिताजी की अस्थियां विसर्जन के लिए जब हमने आपको दी थी तब आपने हमें एक वचन दिया था, एक वचन कि जिंदगी में हम जो चाहें एक चीज आपसे मांग लें। आपका वचन पूरा करने का वक्त आ गया, हमारी मोड़ी की जिंदगी बचा लीजिए छोटे ठाकुर माला।
रीवा बात सुनिए। कोई बात नहीं सुननी आपकी, झूठे हैं आप, आपकी हर बात झूठी है। सुननी पड़ेगी आपको हमारी बात। कब तक ऐसे सच्चाई से भागते फिरेंगे आप? अपने आप को संभालिए रीवा। हमें हमारा बच्चा ला दीजिए साहेब, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा बच्चा ला दीजिए। संभालिए अपने आप को और चिंता मत करिए, हम आपके साथ हैं। अब हमारी एक बात मान लीजिए, एक इंजेक्शन लगवा लीजिए आप। हमें नहीं लगाना कोई इंजेक्शन। हमारी इतनी सी बात नहीं मानेंगे आप? सिर्फ इतना ही प्यार है अपने साहिब से आपको? इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं प्यार की, लेकिन प्यार नहीं है। आप हमेशा अपने प्यार का वास्ता देके हमें चुप करा देते हैं साहेब, ठीक बात नहीं है ये। बिल्कुल ठीक बात नहीं है। आराम से लीजिए आप। इंजेक्शन तो दे दिया है, मगर ठाकुर साहब जो कुछ भी हुआ है उससे ये अंदर से हिल गई हैं। अब या तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी या फिर पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगी। विक्रम कहाँ जा रहे हो तुम? आप जानती हैं जीजी कहाँ जा रहे हैं हम? जानते हैं, इसीलिए तो हैरानी हो रही है हमें। विक्रम, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। एक औरत जिसकी दुनिया जिसकी खुशी तुम पर शुरू होकर तुम पर ही खत्म हो जाती है, किसी दूसरी औरत के लिए तुम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हो? विक्रम, हम जानते हैं रीवा के लिए तुम्हारे दिल में प्यार नहीं है, मगर रहम ही नहीं है क्या? और कोई वक्त होता तो यहाँ पर रुक कर आपके हर एक सवाल का जवाब देते हम जीजी, लेकिन अभी वक्त नहीं है हमारे पास। सुगनी को बचाना इस समय हमारा कर्तव्य, वही पूरा करने जा रहा है। और रीवा तुम्हारी पत्नी, विक्रम रीवा तुम्हारी पत्नी है, उसके प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं? अरे पति के नाते ना सही, इंसानियत के नाते तो है। विक्रम, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। जीजी, वही जो आप समझ नहीं पा रही, और जैसे आप हमें नहीं समझ पा रही, हम आपकी किसी बात को भी नहीं समझ पाएंगे। जीजी, इस समय हमारे दिमाग में एक भूत सवार है, हमें सुगनी को बचाना है। विक्रम, जीजी छोड़िए हमें। ठाकुर साहब आप तो आ गए, अरे खाली हाथ जाएंगे आप? अरे सुगनी आपके साथ जाएगी नहीं। अरे अरे बोली लगने दीजिए, देखिए अभी बताता हूँ। अरे क्या बात है, हमारी पहली बोली, पहली मेरी और आखिरी। हाँ तो ठाकुर माल को सुनो सुनो, हम आप सबको बता दे, सुगनी हाजिर है अपनी सर ढकाई के लिए। Yeah.